हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल यो अली मदद क्या हाल है गाइस आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मुख्तारनामा सीरीज का एपिसोड 23 का पार्ट 1। लास्ट पार्ट में हम सब ने एपिसोड 22 कंप्लीट करा है, तो अगर किसी ने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज पहले वो जाके देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देखना। अब इस पार्ट को देखते हैं एपिसोड 23 का पार्ट 1 विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट। हजरत मुख्तार तीन गिरोह में बांटा गया है हजरत मुख्तार की फौज को। ये पहला, ये दूसरा है ना, हजरत इब्राहिम। ये होगा फिर तीसरा आई गेस। मुझे डर है कि कूफे वाले मुस्लिम के दौर की तरह सिक्कों की लालच में मुख्तार को अकेला ना छोड़ दें। थोड़ा सब्र से काम लो नारिया, जरा अच्छी बातें भी सोचा करो। तुम उलट क्यों नहीं सोचती? क्या पता कूफे वाले हजरत मुस्लिम के वाक़े से शर्मिंदा हूँ और अपनी खयानत की तलाफी करना चाहते हूँ। खुश फहमी है, जंग हो गई तो सब बिलों में छुप जाएंगे। मुख्तार को ज़रा सी भी समझ होगी तो कूफियों से अपने आप को बचा लेगा। नारिया, मुख्तार के पास अजम भी हैं। अरब के तमाम बासर कबाइल ने कूफे की नाकाबंदी कर दी है, क्या मुख्तार मुठ्ठी भर कमज़ोर अजमों के साथ इनका मुकाबला कर सकेगा? इब्राहिम अश्तर और उसका कबीला शेरों की तरह मुख्तार के साथ खड़े। फेस को क्या हुआ? ये सारी आग अश्तर और उनके बेटे की कब्र से उठ रही है, उसी की वजह से जंग का आगाज हुआ है। आ गए हमारे शेर, आ गए। साफिया, कूफे में आ गया। किससे सुना तुमने? मैंने सुना नहीं है बानो, अपनी आंखों से देखा है। इंसान के पीछे इंसान, सबके पीछे सब। लश्कर का एक सिरा दरवाजे कूफा पर और दूसरा सिरा बाग ज़ाइदा पर। क्या रोब दबदबा है, कूफा अपने बहादुरों के कदमों तले थरथरा रहा है। अगर अपने कानों को जमीन पर रखेंगे तो कदमों की आवाज आएगी। एक बात तो बताओ, क्या तुम वही औरत नहीं हो जिसने अपने कबीले की औरतों को लेकर उमर साहब को पत्थर मारे थे? जी हाँ मानो, मैं वही हूँ। ये वही है। ऐसा काम किया कि उमर शर्म के मारे सर ना उठा सके। हमने उसे घर में बैठने पर मजबूर कर दिया ताकि मुख्तार का बोझ हल्का हो जाए। ये लीजिए बानो, ये उसी लश्कर का ऊँट है जिसने इब्ने मरजाना की शातराना चाल का साथ दिया और माँ का यतीम मुस्लिम मारा गया। यस, यही है वो। शक नहीं कि ये यहाँ भी मुख्तार का काम खराब करने आई है। तुम्हारी जबान की तलखी शिमर की तलवार से कम जहरीली नहीं है नारिया, क्यों उसे मुस्तकिल ढोंगे मार रही हो? उमरा बानो, आपकी सौकन को हक पहुँचता है कि मुझे तंस मारे। मुझ कमबख्त ने हजरत मुस्लिम के मौके पर वो गुनाह किया था कि अब तक उस पर कुढ़ रही हूँ और चल रही हूँ। मेरा शोहर तो तवाब बन गया और अनुवर्दा में शहीद हो गया। मैं नसीब की मार जमाने की इबरत बनकर जिंदा रह गई हूँ। ये कैसी बात कर रही हो? हम सब धोखा खा सकते हैं और गुनाह कर सकते हैं, शैतान का काम भी यही है। तौबा जहाद का दर्जा। उमरा बानो चेंज हो गया या फिर मुझे थोड़ा अलग दिख रही है? हम तुम्हारी मजीद अच्छी खबरों का इंतजार। माफ कीजिएगा उमरा बीबी, आपकी बदअखलाक सौकन की बहुत ही जहरीली जबान है। ध्यान रखिएगा कि ये उमर साहब की कमी को पूरा न कर दे। हम औरतें शेरों की तरह मुख्तार के साथ खड़ी हैं। ये खड़े जुबैर के लोग छत के ऊपर तीर लेके खड़े हैं, तीर कमान लेकर। हेलो
ये वही है, राशिद नहीं है? उसके बाप को तो नेजे से ही मार दिया था। अब्दुल रहमान, तीरंदाजों को देख रहे हो? हाँ, देख लिया था मैंने। इन्हें खत्म करना तुम्हारा काम है। कैसे? अपने तीरंदाजों को ढालों के हिसार में छुपाओ और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी पूरी तवज्जो दुश्मन के तीरंदाजों पर होनी चाहिए। जैसे वो तीर मारने के लिए उठे, उन्हें मार दो। खुज़ैमा, तुम 100 घुड़सवारों को उठाओ और उनके घुड़सवारों को टिका दो। 100 घुड़सवार कम नहीं होंगे फ्रैंक, हमारे पास 300 घुड़सवार है। मैदान बहुत छोटा है खुज़ैमा, सबके सब चल पड़े तो दरो दीवार से टकरा जाओगे। मुझे डर है कि तुम लोग फंस ना जाओ। अब्दुल्ला, खुज़ैमा के 100 घुड़सवारों के अलावा बाकी घुड़सवार घोड़ों से उतर जाए। कि तीर से बचने के लिए शील्ड सा बनाया एक। अरे डरो मत हुस्न की मलका, तुम्हें खुदा की कसम है तुम सच बताओ कि तुम कौन हो? मैं हूँ मारिया, आपके बिल्कुल बराबर वाली पड़ोसन। तुम यहाँ क्या कर रही हो औरत? जंगी लिबास में कैसा अजीब सा हुलिया बनाकर घूम रही हो? शिम्र के सिपाहियों जैसी लग रही हूँ ना? तुम्हारा प्यारा शोहर उर्मला का लंगोटिया यार है, तुम शिम्र के जैसी हो गई हो ताकि उसका साथ दे सको? नारियो, तुम वाकई बेवकूफ हो या लोगों को बेवकूफ बनाती हो? बकवास बंद, मैंने पूछा मेरे घर में क्या कर रही हो तुम? ये सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है शहजादी, जासूसी करने आई पयाम का घर है। दिन दहाड़े सितारे दिख रहे हैं, तुम कुछ ज्यादा ही बोल गई घटिया औरत, तुम्हारा कियान से क्या वास्ता? ज्यादा शोर मत करो बाजार की मक्खी, मैं बर्दाश्त का मादा नहीं रखती। जो मुझे डंक मारती है वो बहुत पछताती है। वाकई ज्यादा बोल रही हो टिड्डी, लगता है तुमने अपने से ज्यादा भारी नहीं देखी। उमरा बीबी, आप हमारे बीच फैसला कीजिए, हम एक दूसरे की जबान नहीं समझते। जब भी टकराते हैं एक भौ भौ करता है, एक म्याऊं म्याऊं। जाहिर है जो भी तुम्हें सूलिए में देखेगा उसका रंग बदल जाएगा। थोड़े से धब्बे भी अपने चेहरे पर लगा लेती तो शिमर और तुम्हें कोई फर्क न रहता। मैं क्या करती? मैं सिर्फ इसी लिबास में कियान का पैगाम अपने शोहर तक पहुंचा सकती थी। अच्छा अच्छा, इससे पहले कि कोई शर खड़ा हो जाए, जाओ अपने कपड़े बदल लो, जाओ। नारिया, मैं मारिया हूँ, मैंने तुम्हें डराया, माफ करना डरपोक बुढ़िया। अरे आराम से दीदी। क्या तुम्हें मेरे सर पे सिंह नजर आ रहे हैं? फिर तो मेरा दिमाग खराब हो गया। अगर यूं ही चलता रहा तो शायद पागल भी हो जाऊं। यह हो क्या रहा है? यह आफत हमारे घर में क्या कर रही थी? मारिया, कल तक आफत जरूर थी नारिया, मगर आज वो और उसका शौहर कयाम के खास तरफदारों में से हैं। पहले ही हालात बड़े सुहाने थे जो इन जैसे लोग भी आ मिले। इस औरत का शौहर और मनाकर लंगोटिया यार है और इसकी बीवी भी खबीस तरीन औरतों में से है। ये हुनर कयाम है, गलत लोगों को भी मुतियों फरमाबरदार बना देता है। क्या मुख्तार मजबूर है शिमर से जंग के लिए? उसे भी अपने हुनर से इंसान नहीं बना देता। हुनर कयाम से वो इंसान बन सकता है जिसके हाथ खूने हुसैन में रंगे हुए ना हों, इब्ने हुर की तरह जो मारिया का शौहर है। इब्ने हुर हुरमरा का दोस्त जरूर था मगर वो करबला में नहीं था। जी हाँ, ये औरत और उसका शौहर क्या करना चाहते हैं? कियान का क्या पैगाम था? वो कियान के हंगामी हमला आवरों के गुरु का सरदार है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, ये लोग शिम्र के सिपाहियों के लिबास में उनके तीरंदाजों के दरमियान घुस कर उन्हें गुमराह कर रहे हैं। ओ।
बात भाग गया पीछे। अरे क्या बात, सिमर टाकला है लेफ्टी है। मेरे को यही देखना था, यही मुझे यही देखना है भाई। ऐ मेरे साथियों, इनकी तादाद से मत घबराना, क्योंकि सिर्फ कुछ डरपोक और बुजदिल लोग हैं। तुम्हारा एक मर्द उनके 10 मर्दों पर भारी है। ये आग बदले की, ये तो भड़के की भी है। ये लो, एक और शिकार हो गया, अब हमें भाग जाना चाहिए। ले शोर करके लड़ने आते, शोर करके हमें गिरोह दर गिरोह हमले करने होंगे, उन्हें कदम बकदम पीछे धकेलना होगा ताकि घुड़सवारों को रास्ता खुले। अहमद तुम हमला करो। राशिद, बाप का बदला, बाप की आग में ये। अरे पड़े खोल के डाल दिया मुझे। फिर उठो, ले पहुंचा दिए बाप के पास। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मैंने राशिद को मार दिया, अयास के बेटे को मार दिया। यस, अल्लाह अयास भी गया, उसका बेटा भी गया। हजरत इब्राहिम बड़ा जबरदस्त लड़ाई कर रहे हैं। ब्राउन कपड़े वालों को लड़ना आता भी है इन लोगों को, ब्राउन कपड़े वालों को जो जुबेरी फौज है। जा रहे हैं, बस जा रहे हैं, उनको छुपके से हमला करना आता है बस।
ले। हाँ लड़ाई हो रही इधर। ओ ये सही लड़ा गया यार, गाली काट दी उसका। ओ साहब इतना कूल। घमासान टेंस, खून खनावा, खून खराबा। सब लोग भाग चलो। अरे शिमर भैया फुर्र हो गए। भागना इनकी पुरानी आदत है ना। पहला स्टेज पार चुका है। नाइन तुम्हारी बारी है। अब घोड़े सवार वाले आ चुके हैं इस साइड से। क्या बाप रे, चीर दिया भी से। ओ क्या किक था ये। इनके आदमी को भी लग चुकी है। बहुत अच्छा लड़े पर ये, सच बता रहा हूं बहुत अच्छा लड़े पर ये। इब्ने अनस, नाइम शहीद हो गया। सवारों को वापस भेजो साहन। जाओ वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अरे ये सब लोगों ने घेर लिए। इनके दो आदमी पकड़ा गए। बाजार में मछली बेचते से थक गए थे जो हंगामा आराई करने लगे। गंदा आदमी है। तुम्हारे आका ने तुम्हें इसलिए आजाद किया कि उस पर तलवार उठा लो नमक हराम। ले जाओ फौरन इसका सर उड़ा दो। तुम अपनी माँ के नाजायज बेटे हो शबस, अगर ऐसा ना करते तो तुम शबस ना होते। मलाऊन जो अहलियत रसूल अल्लाह के कैदियों पर रहम ना करे, वो एक आजाद किए हुए गुलाम पर क्या रहम करे। यार इनकी बातें इतनी भयानक हाई लेवल की होती है ना कि भाई बातों से ये कत्ल कर देते। यहाँ पे सीरीज के अंदर में इस तरह की बातें होती है। अमीर पानी क्यों नहीं पी रहे बिन कामिल? मेरे ख्याल से रोजा होगा उनका। रोजा, वो भी इस जंग के मौके पर? अगर रोजा न रखते तो बेहतर होता ना। बिन कुदैज, अबू इसहाक को क्या करना है वो हमसे बेहतर समझता है। अरे
बेहतर होगा तुम्हारी ये खबर ना फैले अबू सईद। बिन कामिल। जी अमीर। फौजों को रवाना होने का हुक्म दो, हमें जल्द से जल्द बिन अनस के पास पहुंचना होगा। कुछ हुआ है क्या? बज़ाहिर बिन अनस किसी मुश्किल में है। कियान कहाँ? यहीं कहीं होगा। उसे बुला कर लाओ, फौरन इब्राहिम को यह खबर पहुंचानी होगी। जी अमीर। इनके नौकर, कपड़े दे दो यार इनको। कोई भगोड़ा आ गया, भगोड़ा। तुम आ गए शिम्र, शेर बने या लोमड़ी? हम चंद बुजदिल गीदड़ों को लेकर भेड़िए के मुकाबले को गए थे, जरा से हमले में डर के फरार कर जाते हैं। हैफ उन तलवारों पर जो इन डरपोक लोगों के हाथों में है। तो तुम भी चंद हंगामा आराई करने वालों से मगलूब हो गए? दुश्मन इन बातों से काफी ज्यादा ताकतवर है अमीर, उसे बहुत मामूली समझ लिया है आपने। तुम लोगों की तादाद दुश्मन से 3 गुना ज्यादा है शिम्र। तुम लोग अरब के मशहूर और बहादुर जंगजू हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को कि चंद गुलामों के मुकाबले पर इस तरह आजजी का इजहार कर रहे हो? अमीर, मुख्तार के साथियों ने हमारे रूप धार लिए हैं। छतों पर मुकर्रर तीर अंदाजों ने एक तीर भी नहीं चलाया। जानते हैं क्यों? मुख्तार के आदमी हमारे लिबास में उनमें शामिल थे और उन्हें मार भगाया। शबस की भी मिली जुली कैफियत होगी। ऐसा तो मैंने देखा नहीं। वो क्यों मगलूब नहीं हुआ दुश्मन के आगे? वाकई शबस ने मुकाबला कर लिया। शबस ने मुकाबला किया है, उसने दुश्मन को मार भगाया। शाबाश है उस पर। राशिद ने क्या किया? मर गया वो। राशिद बाप का दुख झेल ना सका, गया अपने बाप के पास। मारा गया? हाँ, मगर एक जबरदस्त जंग लड़ने के बाद। अगर मेरे पास राशिद और अयाज जैसे 10 सिपा सलार होते तो मैं मुख्तार को मक्खी की तरह मसल के रख देता। 10। बेशक ये बाप बेटे वफादार सिपा सालार थे। यानी हम वफादार नहीं हैं? बेवफाई दिखा रहे हैं अमीर। हमें भी राशिद और उसके बाप की तरह मर जाना चाहिए था कि हमारी वफा साबित हो जाए। मैं माफी चाहता हूँ, ये इन बहस मुबाहिसात का वक्त नहीं है। शबस ने दिखा दिया कि मुख्तार को हराना नामुमकिन नहीं। हम एक इज्तिमाई अज़्म के साथ मुख्तार की कमर तोड़ सकते हैं। तोड़ दो, तोड़ दो। खुद क्यों नहीं जाता? अगर तोड़ सकते हो तो तोड़ दो, वरना वो तुम लोगों की कमर तोड़ देगा। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। इसको पकड़ के भाग। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। ये सब क्या है? झूठ है? इस बेचारे के साथ क्या किया है? उमरा बीबी, ये खबीस शबस का जासूस है, यहाँ भटक रहा था कि मोहल्ले की खबरें पहुँचा सके। ये झूठ है, खुदा रसूल की कसम ये झूठ है। अरे अरे दीदा दिलेरी तो देखो, अभी मैंने इसका मुंह खुलवाया था। शबस मुख्तार के मोहल्ले पर हमला करना चाहता है। इस ढांचे को उसने भेजा है ताकि मोहल्ले को आग लगवाने में उनकी मदद करे। इसकी हुलिये से नहीं लगता कि ये जासूसी के लिए कोई काबिल आदमी होगा। उसने खास तौर पर इस ढांचे को भेजा है ताकि हमें धोखा दे सके। बताओ कितने काले सिक्कों पर बिके हो बदबख्त कहीं के? आप लोग जिस किसी को भी मानते हैं उसकी कसम ये झूठ है, मैं किसी का जासूस नहीं हूँ। नहीं, इसे प्यार की जबान समझ नहीं आएगी। लाल कोयलों से इसकी आंखें जलाएंगे तो इसकी जबान खुल जाएगी। एक कोयला लाना जरा। अच्छा बस करो, इस बेचारे को मजीद तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। तुम किस गुरु की हो?
मैं साहिब इब्ने मालिक के जनाना दस्ते की औरतों में से हूँ बानो। फौरन साहिब के पास जाओ और उसे बता दो कि शबस का ये इरादा है, जल्दी। जी अच्छा बानो, लेकिन लेकिन आप इस दुमकटे को रिहा मत कीजिएगा। शबस बहुत चालाक है, उसके हीले और धोखे कमर तोड़ हैं। ठीक है जल्दी जाओ, कहीं देर ना हो जाए। चलो आओ। खुदा किसी काफिर को भी औरतों का कैदी ना बनाए, खुदा की कसम बानो मैं बेगुनाह हूँ, काम का मुझ पे शक किया जा रहा है। खामोश हो जाओ, बहुत जल्द पता चल जाएगा। इसे थोड़ा पानी दो, डरा हुआ है। ये क्या कर रहे हो? हम पर पीछे से हमला हो गया है, उनका सिपाही सलार बिन उचा जुबेरी है। बिन कामिल, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कैसी आराइश है? हम पर पीछे से हमला हो गया है अबू साहब, उनका सिपाही सलार बिन उचा जुबेरी है, उन्हें घेर लिया गया है। पीछे का रास्ता खोल दो, अपनी फौजों को पीछे ले जाओ। ये अमीर क्यान क्यान, फौरन इब्राहिम के पास पहुंचो, उसे कहो दारुल हुकूमत के मैदान की तरफ ना जाए। बिन हजाज जुबैरी ने हम पर पीछे से हमला कर दिया है, इब्राहिम उसके पीछे से उस पर हमला करे। मतलब हम चारों तरफ से दुश्मनों से घिर गए, बहुत बुरा शुभ हालात हैं। साहिब, उनके प्यादे तुम्हारे लिए, मैं इनके घुड़सवारों से निमटता हूं। सारे घुड़सवार उतर जाएं। क्यों बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट चल रहा था, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट चल रहा था। दैट्स इट इतना ही था इस पार्ट के अंदर में, एपिसोड 23 का पार्ट 1। फाइट जो है चल रही है, बीच से ही एंड किया है मैंने, बिकॉज बहुत बड़ा ये पार्ट है। इसका अगला पार्ट अपन जल्द देखेंगे, एपिसोड 23 का पार्ट 2। फुल फाइट वाला सीन हो चुका है एक तरह से। हजरत मुख्तार का एक गिरोह है, उसके बाद हजरत इब्राहिम मालिक के अश्तर है, एंड इनकी तरफ से भी एक लोग शहीद हो गए जिनका नाम नाइम ऐसे कुछ तो था, एंड दो लोग पकड़ा गए हैं। तो चाल चला जा रहा है, बहुत लाइक साजिशें करी जा रही है, चारों तरफ से घेर लिया गया है इनको। दस बार जितने मुख्तार जो है सबको कह रहे हैं कि लाइक एक तरफ से निकल जाओ, एंड अभी एक आदमी को भेजा है हजरत इब्राहिम के पास ताकि वो जाके बोल सके कि तुम जो हो दारुल हुकूमत के पास मत जाओ, बेसिकली कि एक चाल है। बहुत बुरी तरह चाल चला जा रहा है इस पूरे पार्ट के अंदर में। मुझे एक चीज़ बताना, पता नहीं मुझे ही लग रहा है या फिर सबको लग रहा है, जो बीबी उमरा थी वो थोड़ा चेंज लग रही थी या फिर बदल गई या
या मतलब वही है, मैं गलत कुछ गलत देख रहा हूँ, लाइक मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। मैं तो बहुत पहले से लाइक अपन लगातार देख रहे हैं यार, वो थोड़ा चेंज लग रही है, थोड़ा चेहरा जो है स्वेल टाइप फूला टाइप लग रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, जल्दी अपन सेकेंड पार्ट देखेंगे, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ज़बरदस्त ये फाइट हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से लड़ रहे हैं हजरत मुख्तार की तरफ के जो लोग हैं, बहुत अच्छी तरह से लड़ रहे हैं। इनकी तरफ के लोग भी लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत लोग भाग जा रहे हैं, इस तरह का सीन है। लिटरली भागना इनके नसल में, ये भागते रहते हैं ये लोग। ठीक है, तो यार दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी से बी हैप्पी, पीस आउट, याली मदद, लब्बाई क्या उसे।